इधर भाई लोग प्रोजेक्टर पे मैच आज देख रहे हैं और इधर बाकी साहब को छिके चौके पड़ रहे हैं भाई साहब। और पाकिस्तान के इस दफा बहुत बुरे हालात हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई सब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई ठीक होंगे। नहीं खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक होगी तुम सब के अंदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई भाई गाड़ के रख दो सब्सक्राइब वाले बटन को और बेल आइकन को प्रेस कर लो भाई। इतनी बड़े गले वाली मैं शर्ट पहनी हुई है, इतनी अजीब सी लग रही है। मिक्स हो गई। तो यार खैर छोड़ो, जान दो अभी थोड़ी देर तक हमने फ्रेश होना नहाना, फिर दूसरे कपड़े पहनेंगे। फिर शाह फैसल साहब नहा रहे हैं वॉशरूम में। जरा हेलो सरमद, जल्दी करो, मैंने भी नहाना है। तो सरमद बाहर निकलता है तो भाई हम भी फ्रेश होते हैं। अभी थोड़ी देर तक हमने जाना है उमर हॉस्पिटल, उधर छोटा मोटा काम है भाई, वो मुकाएंगे। उसके बाद आज शाम का भी कोई प्लान है, चाहे विंटरलैंड चले जाएं, कोई पार्क वगैरह, तो देखते हैं भाई आगे क्या सीन चलते हैं। 10 मिनट का इसने नाम लिया, घंटा हो गया इसको यार। हेलो कितना टाइम लगेगा यार? एग्जॉस्ट बंद, लाइट बंद, एग्जॉस्ट वगैरह बंद किया, फिर भी भाई इसको इसने घंटा लगाना ही लगाना फिर इसका यार। चला देते हैं एग्जॉस्ट, कहीं मारी ना जाए बदबू से। तो भाई साहब फुल रेडी शेडी हो गए हैं, माशाल्लाह कह दो, कहीं नजर ही ना लग जाए मुझे। सब लोग रेडी हो गए हैं बस, तो अभी थोड़ी देर तक जोहर टाउन के लिए निकलते हैं क्योंकि उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में है। सो पहुंचते हैं भाई उधर, देखते हैं क्या बनता है, अभी उधर से होके आते हैं। जरा शुक्र है अभी हम लोग निकलने वाले हैं उमर हॉस्पिटल। सो जरा उधर पहुंचते हैं और आपको मिलता हूँ मैं उधर पहुंच के ही। A few moments later. तो यार अब मैं हॉस्पिटल में बैठा था तो और मुझे सरमत किया एक कॉल कि आपके नाम का पार्सल आया है। सो मुझे लगता है कि मैंने एक पाउच मंगवाया था दरा से, वही आया होगा। सो चल के उसकी अनबॉक्सिंग करते, देखते भाई क्या है। हम लोग पहुंचे हैं घर और सरमत भाई पार्सल किधर है मेरा यार? उठा के दो। सरमत हमारे साथ नहीं गया था इन टाइम क्योंकि यार पीछे थोड़े काम शाम थे और सामान वगैरह लेना था, तो सरमत हमारे साथ नहीं गया। और अभी हमें बस सिर्फ आधा घंटा लगा है, बस आने जाने का ही टाइम लगा उधर चेक करवाना था भाई, उसी वक्त हो गया था चेक। सो अभी सरमत की, सरमत इसे पूछते भाई हमारा पार्सल किधर है यार, उठा के दो भाई, किधर है कौन बंदे में सबर होता है। ये पड़ा मैं समझे कुछ और है। सो अभी इसको भाई हम खोलते हैं, तो इसमें पाउच है हमारा, तो अभी हमने अपना पाउच चढ़ा लिया और दिखाते हैं भाई कैसा लग रहा है। आए 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 क्या बात है, क्या यार जिधर जिधर ये ब्लैक है ना, अगर इधर व्हाइट होता ना इससे ज्यादा प्यारा लगता था। अच्छा मैंने सोचा था कि ये कपड़े का होगा जिस तरह मैंने दराज पे देखा था, ये तो भाई प्लास्टिक का घटिया क्वालिटी है। इधर अभी वसीम और जिशान भाई देख रहे हैं मैं, अस्सलाम वालेकुम। इधर भाई लोग प्रोजेक्टर पे मैच आज देख रहे हैं और पाकिस्तान के इस दफा बहुत बुरे हालात हैं। और इधर पाकिस्तान को छिके चौके पड़ रहे हैं भाई साहब, क्या बताओ बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तान को छिके चौके पड़ रहे हैं, अभी ये देख सकते हैं आप, हो गया चौका। वसीम भाई आप क्या कहते हैं, क्या बनेगा? हालात तो बहुत मुश्किल आ गए हैं, तो लास्ट टाइम भी मुश्किल ही थे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जीते। अभी सरमत और मैं जा रहे हैं जरा कैंटीन पे, और कैंटीन है हमारे बिल्कुल साथ, जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है ना इसकी साइड पे है। और ये हसनैन व्लॉग देखेगा वो कहेगा इतनी सी जगह पे ये लोग गाड़ी पे गए हैं। भाई कुछ नहीं कहने वाला, असल में ना हसनैन, असल में थोड़ी देर पहले मैं सीढ़ी पे जा रहा था, मैं गिरा हूं, मेरी टांग में दर्द है। मैंने सोचा गाड़ी पे चले जाते हैं, ऐसी ये भी ठीक है, ऐसी है ना, सही है, ऐसी है, गिरा हूं ना, गिरे हो ना, टांग टूट गई है, गिरा हूं ना। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ, वरना मैं कभी गाड़ी नहीं लेके गया, आपको पता ही है मेरा, मैं कितना अच्छा बंदा हूँ। फर्स्ट टाइम इसने लिया है आईफोन और स्नैप। जब ये गाड़ी में बैठता है ना इसको ये स्नैप वाला ही काम होता है। अब इसके काम देख ले भाई, इसको बंदा क्या कहे यार। हम लोग फाइनली पहुंचे हैं जरा कंटीन पे, क्या खिलाएगा जो दिल करे खा ले हैं। तू बकरा मिल जाएगा यार, देखते हैं क्या मिलता खाने का अच्छा सा। कोई बिस्किट वगैरह उठा लो, लेज वगैरह उठा लो भाई। सरमत भाई सब अपना सामान वगैरह उठा रहा है, मैं अब जा रहा हूँ भाई गाड़ी में क्योंकि अंदर पता नहीं किसी की बदबू आ रही है। मैं वहाँ पे बोला नहीं, पता नहीं वो क्या समझेंगे, लेकिन बदबू हैवी वाली आ रही किसी चीज़ की। मैं सरमत को कह गया हूँ कोई अच्छी चीज लेके आना, अब देखते हैं सरमत मिल के क्या लाता है यार। इन्हीं 4-5 दिनों में हमारा प्लान बनना है कि हम लुडन जाएं 1-2 दिन के लिए, तो अभी देखते हैं, पता नहीं कब जाते हैं, हसनैन फ्री होगा तभी जाएंगे। और 27 अक्टूबर को चमन भाई हैं
उनका वलीमा है, उनकी शादी है, तो उधर भी जाना जरूरी है। सो पता मुझे भी लेके जाते हैं या नहीं, यार स्नैन देखो मुझे लेके जाना, मैंने खाना खाना है। सो भाई देखते हैं लुटन का क्या प्लान बनता है। अभी तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सरमत पता नहीं कब आता है भाई सब। अभी सरमत वो आ रहा है सामने, तो देखते हैं भाई हमारे लिए क्या लेके आया है जरा। हाँ जी आ गए हो। ओए सीरियसली कैंटीन वाला भी तेरा व्यूअर है? नहीं, मैं नहीं मानता। वो देखता है आपके व्लॉग, मुझे कहता है शज़ेब यही है, मैंने कहा मुझे कहता है जो मर्जी खा ले, जो मर्जी खा ले, ये कर ले वो कर ले, लाया गया स्ट्रॉबेरी मिल गया। तो खुद ही तो अंदर जाके यही कह के आया, मैं तो नहीं कह के आया था, हम झूठ ना बोल दूं। घर के नजदीक हम लोग बस कर दे, किन्ना के पीना है, डब्बा ही खा जा, खा जा डब्बा ही खा जा। इसमें पानी डालूंगा, पानी डाल के फिर भी पीऊंगा। ओए हसनैन तो नहीं आया, वो ये किसकी बाइक है? ये पहले की खड़ी हुई। ओए हसनैन दानी की है, अल्लाह की कसम दानी की है। नहीं इसकी ड्रा लिया, मैंने कहा हसनैन आ गया। अभी अभी हमने वसीम भाई को कहा है फोन करके, दरवाजा खोले, हम नीचे आए खड़े, अब देखते हैं नीचे गए या नहीं। सलाम अलैकुम। चले प्रैंक हो गया आपके साथ। प्रैंक हो गया भाई के साथ। मैच का क्या बना निशान भाई? हार रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ा हरामी हो बेटा। एक चीज मैं आपको 5-6 दिन पहले से दिखाना भूल गया हूँ। असल में हसनैन लाया है हमारे लिए भाई माइक। इसमें 2 माइक हैं और ब्लूटूथ डिवाइस है जो फोन में लगती है और कनेक्ट होते हैं, ये वो चार्ज होते हैं। ये इस वजह से लाया था कि लास्ट जो हमने गेम खेली थी ना, वो हसना मन है वो वाली, हसनैन ने वो वाला व्लॉग देखा था और कहा था कि ऑडियो की जो क्वालिटी है ना, मतलब आवाज थोड़ी, मतलब दूर बैठे थे, कैमरा दूर था तो अजीब आ रही थी। उसने कहा अब दोबारा अगर कोई गेम की वीडियो वगैरह बनानी हो तो भाई ये माइक यूज करना, आवाज चिकनी आएगी। सो अब जब भी हम गेम की कोई वीडियो वगैरह बनाएंगे तो भाई ये माइक लगा के बनाएंगे, भाई आवाज क्लियर आएगी। अभी तो भाई 2वा ओवर है और 12 रन है। असल में यार मैच स्क्रीन में आपको इसी वजह से नहीं दिखा रहा कि पहले मेरा एक व्लॉग इसी वजह से रिमूव हो चुका है कि मैंने उस व्लॉग में क्रिकेट का मैच दिखाया था, LCD चल रही थी और उससे मैंने रिकॉर्ड करके क्रिकेट वो व्लॉग में दिखा दिया, उसमें भाई स्ट्राइक आ गई और पूरा व्लॉग उन्होंने उड़ा दिया है। सो इस वजह से मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा। बाकी अभी भाई 2वा ओवर है और 12 रन हो गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान खेल है उम्मीद है कि जीत जाएगा। अभी भाई कुछ पता नहीं क्या बनता है। 30 ओवर में 192 रन हैं और 3 आउट हैं, 3 आउट। इट्स मीन दैट पाकिस्तान ने हार जाना है। क्या लगता है? हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास और देखते हैं कि अभी ये धक्के से स्टार्ट होती है या ऐसी स्टार्ट होती है। जरा बंदे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, रुको जाओ मैं कर लूंगा। तो अभी पहले सेल्फ मार के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हो जाती है तो ठीक है, वरना भाई धक्का लगाना पड़ेगा। चुप, नहीं हो रही। धक्का लगेगा। सब ये देखे हमारे यूट्यूब पर और उनके लोग ये देखे कर गाते हो जोर से यार। बताले जिस और को नहीं खाना, को नहीं खा रहा तू, चल आगे चल के नाच दफा हो जा। ये देखे देख लिया होगा कि गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करते हैं भाई, लेवल की गाड़ी है हमारी, टार नेक क्रूजर है। सो चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं आपको ऑफिस चल के। अभी खाना लेके ओए इसको। तो अभी पहुंच गए हम लोग ऑफिस, मेरे हाथ में ये रायता है, सरबत ने पुलाव पकड़ा हुआ है। आज का व्लॉग करते हैं इसी लिफ्ट में एंड। उम्मीद करता हूं भाई आपको पसंद आया होगा, नहीं आया फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।